नमस्कार दोस्तों, अभी हम गाजर मटर और आलू और गोभी का सब्जी बना रहे हैं। हाँ जी सर, करिए स्टार्ट। अभी इसमें ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल है जी। आप कोई सा यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अभी सरसों का तेल डाल रहे हैं जी अच्छा, सब्जी के लिए। अभी जी तेल एकदम गोल्डन हो चुका है और थोड़ा सा जीरा डालेंगे जी। अपना तड़का रेडी है अभी एकदम। अभी कटे हुए प्याज डालेंगे जी। प्याज को एकदम अच्छे से भूनेंगे इसके अंदर। अभी एकदम प्याज अच्छे से गोल्डन करेंगे एकदम इसके अंदर। अभी प्याज एकदम गोल्डन हो चुके हैं। हरी मिर्चें डालेंगे कटी हुई। अभी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे जी एक। अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च अच्छे से सरसों के तेल में एकदम पक जाएंगे। अभी एकदम टमाटर, प्याज, हरी मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। अभी डालेंगे इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ज़रूरत अनुसार। अभी इसको अच्छे से इसके अंदर मिलाएंगे, अच्छे से इसको एकदम मिक्स करेंगे इसके अंदर। अभी पेस्ट मिलने के बाद एकदम लाल रेडी हो चुका है, कलर दिखाने, टमाटर, प्याज सब चीज़ कलर दिखाने लग चुकी है। अभी इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच है, और अभी 1 चम्मच हल्दी। और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अभी इनको अच्छे से इसके अंदर एकदम भूनेंगे बढ़िया। एकदम ऑयल के अंदर अच्छे से भून जाएंगे मसाला। उसके बाद आगे डालेंगे आलू गोभी टमाटर, आलू गोभी, हरी मिर्च। मसाले एकदम पक चुके हैं, अभी ऑयल छोड़ने लग गए हैं। अभी 1/2 गिलास पानी डालेंगे इसमें। अभी इसको अच्छे से एकदम मिक्स किया जाएगा स्लो गैस पे। मसाले एकदम पक चुके हैं, ऑयल अभी एकदम मसा तैयार है, ऑयल एकदम छोड़ने लग चुका है। अभी आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से इसके अंदर एकदम मिक्स करेंगे बढ़िया। अब मटर डालेंगे इसके अंदर। मटर को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे बढ़िया से 2 मिनट तक। आलू और मटर को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स किया है अभी। अभी एकदम स्लो गैस पे आलू और मटर पक चुके हैं। अभी डालेंगे इसके अंदर गाजर जी। अब गाजर को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे बढ़िया से और कम से कम 5 मिनट बढ़िया पकाएंगे। अभी मसाले के अंदर आलू, मटर और गाजर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे गोभी। गोभी डाल दिया है जी। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी और डाल के इसको ऊपर से ढक्कन लगा के 5 मिनट तक रख देंगे मिक्स करके एकदम बढ़िया से। अभी इसमें 1/2 गिलास पानी डालने के बाद अच्छे से पकाएंगे, इस पर ढक्कन लगाएंगे और स्लोली गैस में एकदम जी लगा दीजिए ढक्कन। अब अच्छे से पकेगा ना, 10 मिनट में रेडी हो चुकेगी अपनी सब्जी। अभी इसका ढक्कन हटाएंगे, देखते हैं लगभग रेडी हो चुका है एकदम। हाँ जी, क्या खुशबू आ रही है, देखिए एकदम पक चुका है अपना सब्जी, एकदम ओके है और अभी रेडी है। इसको करते हैं टेस्ट। देखिए जी, एकदम बनकर रेडी हो चुका है अपना सब्जी। अभी इसको टेस्ट करेंगे अच्छे से। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें और हमारा चैनल
सब्सक्राइब करें। ओके जी, थैंक यू, गुड बाय, कल मिलते हैं जी।